क्वेश्चन नंबर टू का सेकंड पार्ट है, टू वुमेन एंड फाइव मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन फोर डेज व्हाइल थ्री वुमेन एंड सिक्स मैन कैन फिनिश इट इन थ्री डेज। फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय वन मैन अलोन। दो औरतें और पाँच आदमी इकट्ठा मिलकर अगर काम करें तो वो चार दिन में एम्ब्रॉयडरी वर्क जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह अगर तीन औरतें और छह आदमी वही काम तीन दिन में ख़त्म करते हैं, हमने ये बताना है अगर एक औरत अकेले काम करे तो वो कितने दिन लगाएगी उसको ख़त्म करने में, और साथ में ये भी बताना है कि एक आदमी अगर अकेला वो काम करे तो वो कितने दिन उस काम को ख़त्म करने में लगाएगा। अब क्वेश्चन नंबर टू का सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व किया मैंने, लेट वन वूमेन कैन फिनिश द वर्क इक्वल टू एक्स डेज। मान लो एक औरत जो है वो पूरा काम ख़त्म करती है एक्स डेज में, ठीक है, एंड वन मैन कैन फिनिश द वर्क इक्वल टू वाई डेज, तो वो कितने दिन में काम ख़त्म करता है आदमी, वाई डेज में। तो पार्ट ऑफ वर्क डन बाई वूमेन इन वन डे, एक दिन में वो कितना काम ख़त्म करेगी, जितना काम वो दस दिन में करती है तो एक दिन में कितना होगा उसका दसवां हिस्सा वन बाई टेन, तो इधर एक्स डेज में ख़त्म करे तो एक दिन में हुआ वन बाई एक्स। इसी तरह पार्ट ऑफ वर्क डन बाई मैन इन वन डे, एक दिन में आदमी कितना करेगा, पूरा काम ख़त्म कर रहा है अगर पंद्रह दिन में तो एक दिन में क्या होगा उसका पंद्रहवां हिस्सा वन बाई फिफ्टीन, इसी तरह वन बाई वाई। फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक हमें दिया है दो औरतें और पांच मर्द अगर मिलकर काम खत्म करें, ठीक है, तो वो कितने दिन लगाते हैं, चार दिन। अब एक औरत एक दिन में कर रही है वन अपॉन एक्स, तो दो औरतें एक दिन में कितना करेंगी, टू इंटू वन अपॉन एक्स, टू अपॉन एक्स। पांच आदमी एक दिन में कितना करेंगे, फाइव इंटू वन अपॉन वाई, फाइव बाई वाई। अब चार दिन में काम पूरा खत्म करते हैं दोनों मिलकर, तो चार दिन पूरे का तो एक दिन में कितना हुआ, वन बाई फोर, उसका चौथा हिस्सा। इसी तरह सेकंड कंडीशन में अगर तीन औरतें काम करें इकट्ठी और छह आदमी इकट्ठा काम करें दोनों मिलकर, तो वो तीन दिन में काम खत्म हो जाता है। तो एक औरत काम खत्म कर रही है एक दिन में वन बाई एक्स, इतना हिस्सा, तो तीन औरतें कितना काम करें खत्म करेंगी एक दिन में, थ्री बाई एक्स। इसी तरह एक आदमी एक दिन में करा है वन बाई वाई, तो छह आदमी एक दिन में कितना करेंगे, सिक्स बाई वाई, सिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो मिलकर तीन दिन में काम खत्म हो जाता है। तो एक दिन में कितना काम होगा उसका तीसरा हिस्सा वन बाई थ्री, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, टू अपॉन एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू वन बाई फोर, यानी फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक, और थ्री अपॉन एक्स प्लस सिक्स अपॉन वाई इक्वल टू वन बाई थ्री, ये सेकंड इक्वेशन या सेकंड कंडीशन के मुताबिक आपकी ये बनेगी मुताबिक। अब हमने यहां पर वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की, तो वन अपॉन एक्स को लेट किया ए और वन अपॉन वाई को लेट किया बी, ये पुट किया जैसे भी है वी गेट वन अप टू इंटू वन अपॉन एक्स, तो वाई एक्स होता है तो वन अपॉन एक्स ये ए, तो बन गया ट्वाइस ए। फाइव इंटू वन अपॉन वाई, फाइव वाई वाई, तो फाइव बी इक्वल टू वन बाई फोर, बी को हमने लिया वन अपॉन वाई और ए को लिया वन अपॉन एक्स। इसी तरह सेकंड इक्वेशन, थ्री इंटू वन अपॉन एक्स, थ्री ए, सिक्स इंटू वन अपॉन वाई, सिक्स बी इक्वल टू वन अपॉन थ्री। अब ये दो इक्वेशनें आ गई, ना ए सेम है ना बी सेम है, ए या बी सेम बनाने के लिए हम कहिए मल्टीप्लाई, वही एलिमिनेशन मेथड, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई थ्री एंड इक्वेशन सेकंड बाई टू, तो क्या आएगा, थ्री से थ्री टू या सिक्स, थ्री फाइव सा फिफ्टीन, थ्री इंटू वन बाई फोर, थ्री बाई फोर, और सेकंड को किया हमने टू से, टू से करेंगे अब टू थ्री जा सिक्स, टू सिक्स जा ट्वेल्व, और टू को इससे करेंगे वन बाई थ्री से तो बन जाएगा टू बाई थ्री। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके ये हमारे मल्टीप्लाई करके जो आए, अब इसको और इसको अगर देखो तो सिक्स ए सेम आ गया, लेकिन एक दोनों पॉजिटिव है इसलिए हमने क्या किया ऑन सब्ट्रैक्शन, तो साइन मैंने नीचे चेंज किए हैं, इधर लिखना है ऑन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया, 15b में से 12b निकाला 3b, 3 बाई फोर में से 2 बाई थ्री मैं माइनस कर रहा हूं, 3 बाई फोर और माइनस 2 बाई थ्री, 4 और 3 कैल्शियम 12, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 थ्री जा 9, 4 टू जा 8, तो 9 माइनस 8 आ गया 1 बाई 12, तो इसका क्या आएगा 1 बाई 12, 3b इक्वल टू 1 बाई 12, तो b आ गया 12 थ्री जा 36, b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 1 अपॉन 36। अब a की भी करनी है, तो सब्सिट्यूट b इक्वल टू 1 अपॉन 36 इन इक्वेशन सेकंड, ये हमने सेकंड में सब्सिट्यूट कर दिया, तो सेकंड इक्वेशन थी 3a plus 6b equal to 1 by 3, 3a plus 6b, b की जगह लिखा 1 by 36, 6, 6, तो 3a plus 1 upon 6 equal to 1 by 3, 3a आ गया 1 by 3 minus 1 upon 6, तो 3a आ गया 6 LCM, 3, 2, 2, 1, 2, 6, 1, 1, 1, 3a आ गया 1 upon 6,
तो ए की वैल्यू आई 1/18, बी आया 1/36, ए आया 1/80, लेकिन हमने फाइंड करना है एक्स और वाई। तो 1/x को हमने लेट किया था ए और 1/y को लेट किया था बी। तो 1/x आ गया 1/18 यानी ए की वैल्यू, 1/y आ गया 1/36 यानी बी की वैल्यू। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स 18 आ जाएगा और वाई क्या आ जाएगा 36। तो वन वूमेन अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 18 डेज, औरत जो अकेले जो काम खत्म करेगी वो 18 दिन लगाएगी, एंड वन मैन अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 36, और आदमी जो है वो 36 डेज लगाएगा पूरा काम खत्म करने में।